हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस वीडियो को जाके देख लीजिए, टाल ब्रोज क्या हमें यहाँ पर बाइंग करना चाहिए नहीं, इससे रिलेटेड मैंने आपको अपनी राय देती हुई नजर आई है। और इस वीडियो में बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड जो कि आज की डेट में, और अगर बात करें एक स्टॉक्स तो काफी दिन से 31 दिसंबर को ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई लगा के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हमें उन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए नहीं। मैक्स हेल्थ केयर एज वेल एज EID पैरी दोनों से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल जो कि आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जितना हो सके सपोर्ट करें। इसलिए लाइक जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियोज आपके लिए बनाई जाती है, शेयर चूज किए जाते हैं, फिर लाए जाते हैं। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एज वेल एज यहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट करते के आप हमसे फाइनेंशियल एडवाइजर भी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जिन दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, सबसे पहले मैक्स हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। मैक्स हेल्थ केयर देखिए 31 दिसंबर को 458 रुपए का हाई बना के आता हुआ दिखाई दिया। 222 रुपए से हर गिरावट पे ये स्टॉक्स आपको यहाँ पर खरीदवाया है, क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल था और अभी अगेन जैसी सिचुएशन आ रही है, और जब स्टॉक्स यहाँ पर गिरता हुआ ना गिरते गिरते 407 रुपए 408 रुपए पे आ गया, तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि शेयर यहाँ पर लगभग 50 रुपए नीचे आ चुका है। डिलीवरी की बात करें तो आज के दिन में देखिए 64% के शेयर 6,53,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं, तो इट इज नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी। एज वेल एज यहाँ पर बात करें ये जितनी बाइंग आई है लास्ट आर्ट में आती हुई दिखाई दी है, लास्ट 5 मिनट की कैंडल में आती हुई दिखाई दी है, तो वो हमें यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 60% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, काफी बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आता है। मैक्स हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर बात करूं तो हर बार आपको वीडियो बताया है हर गिरावट पे खरीदवाया है, और जब से खरीदवाया है वहां से पैसे भी यहाँ पर लगभग डबल हो चुके हुए हैं हमारे। और यहाँ पर देखिए कंपनी काफी बेहतरीन है मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर आपको अमृतसर NCR एज वेल एज यहाँ पर बात करें मुंबई, मोहाली, बठिंडा, पंजाब, यहाँ पर सब जगह यहाँ पर इनके हॉस्पिटल्स नजर आएंगे। मैक्स हेल्थ केयर बड़ा नाम है, छोटी मोटी चेन नहीं है। यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की तो देखिए 39,000 लगभग 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, लगभग ना के बराबर इनका डेट है, कोई भी डेट की नहीं कह सकते। पीई की बात करें 199 का पीई नजर जरूर आता है, बट चीजें यहाँ पर अच्छी खासी है, इस चीज को याद रखिए। 473 नहीं है इसका, 451 52 वीक हाई है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया था। वैक्सीन चार्ट पैटर्न की बात करें तो जब से ये शेयर आया है यहाँ पर देख सकते हैं आपके पैसे को लगभग 4 गुना यहाँ पर करके यहाँ पर दिखा चुका है। हमने यहाँ पर 222 पे पकड़ा था, 222 के बाद एक लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे हायर हाई हायर लो बना के ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आया है। 5 साल की देखेंगे तो 34% के CAGR से पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, काफी बेहतरीन शेयर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे। इस क्वार्टर में पर्टिकुलर क्वार्टर में गिरावट होती हुई नजर आई क्योंकि यहाँ पर कोविड के केसेस भी डाउन हो गए थे, आपको पता ही है। बट जिस तरीके से अभी सिचुएशन दोबारा बनती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से यहाँ पर केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर चलते हुए नजर आ सकते हैं और दोबारा बेहतरीन रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, तो आपको एक स्मार्टली प्ले करने की जरूरत यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पे तो कम है बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है, और पिछले 12 महीने में 1600 करोड़ की यहाँ पर सेल्स है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कभी नहीं आया वो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है 200 करोड़ के आसपास का। रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बोरिंग कम होती हुई नजर आ रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है। कैश की बात करें 657 करोड़ का कैश है, जो भी यहाँ पर हमेशा पैसा आता रहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ROC की बात करें वो भी अच्छी खासी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर बीच में OFS आता हुआ दिखाई दिया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो एग्जिट हुए थे तो यहाँ पर 10% की हिस्सेदारी गिरी गई थी, बट बड़े बड़े लोगों ने ऑलरेडी वो माल खरीद लिया था। FIs की बात करें उन्होंने होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है, DIs की बात करें उन्होंने होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, याद रखिए FIs DIs ने होल्डिंग बढ़ाई है। और यहाँ पर देखेंगे पब्लिक की तो पब्लिक की देखिए 16% की हिस्सेदारी यहाँ दिखाई देती है, बट 16 में भी देखेंगे तो यहाँ पर सिटी ग्रुप ने यहाँ पर 6.23, कोटक सिक्योरिटी ने 2.82% की होल्डिंग ली है, लगभग अगर बात करें तो 6-9% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है, तो लगभग 7% की हिस्सेदारी यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर पब्लिक के पास नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो FIs होल्डिंग बढ़ा रही है, DIs होल्डिंग बढ़ा रही है, पब्लिक से होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर्स
की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, जो भी शेयर यहाँ पर OFS में बिचे थे वो सारे के सारे शेयर यहाँ पर ऑलरेडी वापस आके किनके पास आ गए, बड़े बड़े लोगों के पास आ गए। तो थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखें तो ये शेयर अपना 457 का हाई पर लगा के कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर 3 दिन से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन लगभग 5% की यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है। तो क्या हमें यहाँ पर शेयर बेच देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, ओके, फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है और यहाँ पर चीजें 400 रुपए के आसपास आके यहाँ पर ट्रेवल करके ऊपर जा सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी ये शेयर यहाँ पर गिरता है, इसकी हिस्ट्री रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता है, गिरने का फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है, तो हायर हाई हायर लो बना के ये शेयर हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर काम करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो जितनी भी ये गिरावट हो, जो नए इन्वेस्टर्स है इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको कोविड का चार्ट यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, कोविड चार्ट इंडिया, तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से दोबारा यहाँ पर रेज होना शुरू हो गए हैं। जो यहाँ पर 7,000 केसेस ही आ रहे थे कुछ दिन पहले, आज के दिन में यहाँ पर दोबारा 58,000 केसेस आ गए हैं। तो ये ग्राफ कब कब में यहाँ पर ऊपर चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस चीज का फायदा एक ही कंपनी उठाती हुई नजर आएगी, हॉस्पिटल सेक्टर। तो हॉस्पिटल सेक्टर में जो गिरावट हो रही है वो एक अपॉर्चुनिटी है, और जितनी भी गिरावट हो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल शेयर्स या इस तरीके के शेयर जो मैक्स हेल्थ केयर हो गया, इसे लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि FIs यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर दिया है। FIs ऐसे ही शेयर से सेक्टर में पैसा लगाएंगे और चीजें दोबारा ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर लास्ट 5 मिनट्स का अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो आपको समझ में आएगी चीजें कि यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर बाइंग होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल की RSI की बात करें तो 32 के RSI पे आ गया है, और 32 के RSI का मतलब है कि यहाँ पर बाइंग 5 मिनट के कैंडल बता रहा है कि यहाँ पर आपको चीजें खरीदनी चाहिए, ना कि यहाँ पर बेचनी चाहिए। बेचने का मौका यहाँ पर था जब ये 458 पे 457 पे यहाँ पर आई थी, ओके, ये चीजें मैंने देखी नहीं थी, अदरवाइज मैं यहाँ पर निकल चुका होता। बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर चीजें थोड़ी नीचे आई है, बट यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चीजें ले सकते हैं, और एक अच्छी खासी रैली के लिए हम तैयार हो सकती है, जो कि ये 460 रुपए के आसपास की लेके जाएगी, और एक बार यहाँ पर गया तो चीजें दोबारा भागती हुई नजर आएगी। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी नजर आता है और यहाँ पर चीजें दोबारा अच्छी खासी होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दीजिए, एक अच्छी खासी गिरावट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कितनी गिरावट हो चुकी है, तो अच्छी खासी यहाँ पर 8 से लेकर 10% की गिरावट लगभग इस पर्टिकुलर शेयर में यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शेयर लेके लगभग 11% के आसपास ही गिर चुका है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, एक किस्त लगाते हैं ना EMI, या फिर जैसे कहते हैं SIP मोड में, तो वो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे शेयर की बात करेंगे, दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है EID Parry। EID Parry की अगर मैं बात करूं तो EID Parry आज के दिन में बहुत ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया है। हम बात कर रहे हैं अच्छे अच्छे चीजों की, जैसे कि यहाँ पर आप बात करेंगे शुगर की, तो शुगर में एक रैली कल की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक शेयर में रैली हुई थी, कुछ शेयर आज की डेट में भी यहाँ पर अपर सर्किट में थे, ओके, और बट ये बेहतरीन शेयर की अगर हम बात करें वो यहाँ पर गिरावट में होते हुए दिखाई दिया। बहुत अच्छी रैली के बाद एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आई है, और इस गिरावट का हमें ऐसे शेयर में फायदा उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें EID Parry एक बड़ी एक कंपनी है जो शुगर बिजनेस ऑफ शुगर है, एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पर अदर शुगर पे इनके पीयर्स की कंपनी देखे तो उनमें मार्केट कैप की बात करें तो ये एक बड़ी कंपनी नजर आती है। तो छोटी कंपनी की जगह बड़ी कंपनी में रहेंगे तो वहां पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी नजर आता है, तो बीच में गिरावट होती रहती है जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करें शुगर सेक्टर है, यहाँ पर एक साइक्लिकल सेक्टर है, या कह सकते हैं एक साइकिल आती हुई दिखाई देती है, बट अभी ये साइकिल यहाँ पर रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल के बिजनेस में यहाँ पर गवर्नमेंट आती हुई दिखाई देगी, जितनी भी कंपनी एथेनॉल बनाती हुई दिखाई देंगे, और जब जब एथेनॉल की बातें आएंगी तो यहाँ पर गडकरी जी किस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जैसे मैंने प्राज इंडस्ट्री आपको बताया था लगभग 15 से 20% ऊपर जा चुका है, ओके, तो इसी तरीके से ये जितने भी शेयर है ये सारे के सारे आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। और इसका ये अभी हाई नहीं है, ये हाई समझने की कोशिश मत करिएगा, ये हायर हाई हायर लो बना के शेयर यहाँ पर निकलते हुए नजर आते हैं। EID Parry एक बड़ी कंपनी है, तो इस चीज की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छोटे शेयर की जगह मजबूत
खुद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अगर रखेंगे तो अगर किसी भी तरीके की बीच में अगर गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जब गिरावट आई है ये शेयर दुगने तक स्पीड से भागा है, जब जब गिरावट आई है दुगनी स्पीड से भागा है, आपके थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद शेयर ने आपके पैसों को डबल किया है। यहाँ से भी देख लीजिए, ओके यहाँ से डबल किया है, यहाँ से ट्रिपल किया है, तो इसी तरीके से चीजें चलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी 8500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 27 और 11 का ROC ROE है जो कि काफी बेहतरीन है। पी की बात करें 16 के पी पे शेयर मिल रहे हैं, डेट की बात करें 35% का यहाँ पर डेट भी है, प्लेजिंग की बात करें ना के बराबर ही शेयर प्लेज है और शेयर अच्छा खासा यहाँ पर टूट चुका है, 574 रुपए से यहाँ पर नीचे आ चुका है, फेस वैल्यू 1 की है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करें, यहाँ पर पी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये सस्ता ही है, यहाँ पर बलरामपुर चीनी से सस्ता है एज वेल एज बनारी एम शुगर से यहाँ पर सस्ता नजर आता है शेयर। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं कंपनी के कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे रिजल्ट, और इस बार के रिजल्ट से जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर सेल्स थी, और यहाँ पर जो प्रॉफिट भी देखेंगे वो भी हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी ही कंपनी फिर यहाँ पर भागती हुई नजर आती है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कंपनी की कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स होते हैं, 19,000-20,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें यही बड़ी कंपनी से यहाँ पर इथेनॉल लिया जाएगा, याद रखिए जब यहाँ पर बड़ी कंपनी हिस्सा लेती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसी तरीके से यही जब यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं ये लोग, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी का हाईएस्ट एवर तो प्रॉफिट नहीं है, बट कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दोबारा से जो 153 करोड़ था फिर 468 हुआ, 457, अभी पिछले 12 महीने में 477 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये एक हाईएस्ट एवर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले साल में। रिजर्व्स की बात करें रिजर्व्स कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहे हैं, लगभग 5,000 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें थोड़ी सी यहाँ पर बोरिंग इस क्वार्टर में बढ़ी है बट कंसिस्टेंट बेसिस पे कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस में 196 करोड़ रुपए इनके है, जब ये काम हो जाएगा और काम होके यहाँ पर ऐड होंगे ये फिक्स एसेट में तो याद रखिए दोबारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट 564 करोड़, कैश की बात करें कंपनी का 635 करोड़ का यहाँ पर कैश है, और यहाँ पर जितने भी पैसे आते हैं यहाँ पर बुक में दिखाई देते हैं। ROC देख सकते हैं अच्छी खासी रही है, वो 27 के आसपास ROC चल रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 44.68% है, FIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है बट DIIs ने यहाँ पर बात करें तो होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई है, और FIIs तो निकाल ही रहे हैं आपको पता ही है बट FIIs कभी भी बीच में एंट्री मार सकते हैं। और यहाँ पर पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 43% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं, बट 43 में भी यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी ले रखी है, तो आपको सोच समझ के यहाँ पर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि कंपनी बड़ी कंपनी हो, जो कि अगर कभी फ्यूचर में आप किसी भी कंपनी में एरी गरी में लगा देते हैं हो सकता है कि आपका पैसा वहां पर जल्दी बनता हुआ नजर आए, बट अगर चीजें यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आती है तो वो शेयर सबसे पहले गिरेंगे, लोअर सर्किट में आएंगे। ये शेयर लोअर सर्किट में नहीं आएंगे, निकलने का ही मौका देंगे, और जब नीचे आ जाएंगे नीचे के लेवल पर ये खरीदने का भी मौका देंगे। तो यहाँ पर ये गिरावट हो रही है, और जब ये गिरावट हो रही है तो ये देखिए यहाँ पर अगर ये शेयर यहाँ पर आपको 432 के आसपास दोबारा दिखाई देता है इस पर्टिकुलर एरिया में, ओके 430, 432, 440 के आसपास, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि चीजें यहाँ पर आने वाले टाइम में टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने का टाइम लेगा, बट यहाँ पर चीजें अच्छी होने वाली है। इथेनॉल का बिजनेस यहाँ पर बढ़ने वाला है, उस केस में ये शेयर सारे के सारे शुगर से रिलेटेड जितने भी शेयर है तो ये भागते हुए नजर आएंगे, और उसमें हमें टॉप शेयर खरीदने याद रखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गिरावट हो रही है, गिरावट का फायदा आपको उठाना है, आज के दिन में 4% का शेयर गिर चुका है, और यहाँ पर इसे एग्जैक्ट रैली के लिए कि एक अगली रैली कब आएगी, अगली रैली के लिए और ब्रेकआउट प्ले करने के लिए 532 का लेवल जो इसका यहाँ का लेवल था, ओके कितना है 532.9, तो यहाँ पर जब ये ऊपर निकल जाएगा 533 का शेयर भागेगा, उसके बाद ही यहाँ पर एक रैली आती हुई दिखाई देगी। सॉरी, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, जस्ट आपको बताना था कि ये शेयर गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, तो आपको इन दोनों शेयर में AIDA पैरी एज वेल एज मैक्स हेल्थ केयर में थोड़ा ध्यान रखना है, और ये शेयर अगर नीचे आते हैं तो दोनों शेयर यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अच्छी खासी गिरावट हो गई है, और दोनों शेयर के पीछे कोई ना कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो कि इनके फेवर में आती हुई दिखाई देती है। तो चीजें अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जितना हो सके सीखने की कोशिश करिएगा, हमसे कॉन्टैक्ट करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।